दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मणिपुर हिंसा को लेकर पूरा देश शर्मिंदा है। जिस तरीके से महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, यह देश में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हुआ है। ये बताइए कि मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो कुछ भी हुआ है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, और सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये बात है कि अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर चुप्पी साधी हुई थी, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाके उस पर शब्द कुछ जाके शब्द बोले, चंद शब्द, वो भी सिर्फ मणिपुर को लेके नहीं, वो पूरा राजस्थान से लेके सारी जगहों पर उन्होंने बात कर डाली। मणिपुर के लिए बस एक सेकंड, दो सेकंड, वो भी मजबूरन, ऐसा लगा मजबूरन बोला। अभी तक क्यों नहीं प्रधान वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया गया है, जब उनके चलते हो रहा है? वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? अभी और क्या और हिंसा की ज़रूरत है, या वहाँ के और महिलाओं के उत्पीड़न हुआ जा रहा है? जिस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ है मणिपुर, उसको लेकर क्या कहेंगे आपने पूछा क्या कहेंगे? इसके लिए तो शायद अब कोई शब्द हम लोगों के पास पड़ा नहीं, क्योंकि एक महिला होने के नाते अपने आप को जब जब देखते वो सीन याद आ रहा है, वो भी एक सैनिक की वाइफ, तो कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्या क्या बोले एक महिला होकर, क्या बोले? वो सीन को याद करने पे जब जब याद आ रही, कोई एकदम दिल दहल जा रहा है, कोई शब्द नहीं है। मणिपुर हिंसा को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मणिपुर हिंसा को लेकर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि देश के प्रधानमंत्री जी कभी कभी माँ गंगा, माँ दुर्गा, माँ काली तो जपते रहते हैं, महिलाओं को इज्जत देने वाले प्रधानमंत्री जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले, माँ गंगा की पूजा करने वाले, दुर्गा की पूजा करने वाले, अगर महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे नहीं बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक इस देश में क्या हो सकता है? ठीक है, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस घटना को? ये पूरा सत्ता प्रायोजित है, और इसका यही जवाब है कि कहीं भी कोई हिंसा, 3 महीने से एक राज्य पूरा जल रहा है एकदम। अब तक 50,000 लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, 250 लोगों की हत्या हो चुकी है, और हजारों घर जला दिए गए हैं। महिलाओं के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा है, सामूहिक ढंग से घुमाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री के बयान से क्लियर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं तो यहाँ लगातार हो ही रही हैं, ये नई बात क्या है? तो इससे एकदम साफ होता है कि विधिवत भाजपा चाह रही है कि वहाँ आदिवासियों के खिलाफ इस तरह से कैंपेन चले, और अभी तक इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। अमित शाह 1 महीने बाद वहाँ जाते हैं, 1 महीने बाद उस राज्य का दौरा करते हैं, लेकिन उस घटना को, उस चीज़ों को रोकने में बिल्कुल असफल होते हैं। तो हमारी ये मांग है 2-3 चीज़ें, कि मुख्यमंत्री को वहाँ से बर्खास्त किया जाए, वहाँ अमित शाह इस्तीफा दें, और प्रधानमंत्री अब तक इस पर चुप्पी जो है, कार्रवाई करें और माफ़ी मांगे देश से। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि ये जो लिंचिंग हुई है, अब पूरे देश में महिलाओं का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हो रही है। अब एक नए कानून की भारत में ज़रूरत है लिंचिंग के खिलाफ, अन्यथा ये मैं देख रहा हूँ कि जनरल कार्रवाई में बदलता जा रहा है। जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई है, मणिपुर घटना के लिए मैं आज जो है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सबका निंदा करता हूँ कि आपके शासन रहते हुए यह बीजेपी सरकार मणिपुर में सरकार है, लेकिन उनके सरकार में भी जो आज आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रही है, बलात्कार हो रहा है, यहीं तक आदिवासियों के जो है बच्चों के कानों में जो पेशाब कर दिया जा रहा है, लेटरिन बाथरूम से गंदे चीज़ों से जो है बच्चों को नवाजा जा रहा है, कालिक पोता जा रहा है, नंगे करके बच्चों को मारा जा रहा है, अत्याचार की जा रही है। यह जिस प्रकार से अंग्रेज के शासन सत्ता थी, यह उससे कई गुना बढ़ करके जो है बीजेपी की सरकार। देखिए मणिपुर हिंसा को लेकर किस तरीके से लोग काफ़ी नाराज हैं, और आने वाले वक्त में इसको सरकार किस तरीके से रोकथाम लगाती है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।